हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ बीएसएफ के आरओ और आरएम हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला था, जिसका रिटन एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कटअप भी डिक्लेयर किया गया है। और आपका जो आप जो क्वालिफाई किए कैंडिडेट फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस यानी सेकेंड फेज के लिए, उनका नाम भी है। टोटल कितना गुना, तो 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। जितना भी वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो अब बात है कि यहाँ पे कितना कितना कटअप गया। तो मिनिमम जो कटअप क्राइटेरिया रखा गया था आपका एसटी कैंडिडेट के लिए 33% और अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस और के लिए 38% यहाँ पे रखा गया था। तो ये सब दिया हुआ है। अब बात है कि यहाँ पे कटअप कितना है। तो कटअप आप लोग देख लीजिए, अगर जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में अप्लाई किए होंगे, जैसे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में, तो अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 94.25 कटअप गया है रेडियो ऑपरेटर में, और ईडब्ल्यूएस में 76 गया। ओबीसी में नो वैकेंसी, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं था। और यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी में 69.5 गया है और एसटी कैटेगरी में 66 गया है। और यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 103.5 और ईडब्ल्यूएस में 95.5 और ओबीसी में 118 और एससी में 66 और एसटी में 66। तो यहाँ पे देखा जाए तो जनरल से ज़्यादा ओबीसी में कटअप गया 118, यानी टोटल 15 नंबर आपका ओबीसी में ज़्यादा गया है कटअप। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वैकेंसी इसमें आपका कम हो ओबीसी में रेडियो मैकेनिक में, और जनरल में ज़्यादा हो, और इसमें ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे आपको इतना कटअप देखने को मिल रहा है। अब बात है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो इसमें डिपार्टमेंटल वाले भी भरे थे। तो डिपार्टमेंटल रेडियो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट का जो कटअप गया है 76.25 कटअप गया है। सभी का कटअप एक ही जगह बताया है, और एससी का 66.5 और एसटी का 68.5 गया है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में 76 गया है, और एससी में 67.5 और एसटी में 66.25 यहाँ पे कटअप गया है। और एक सर्विसमैन जो है उसके लिए गया हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में 76 यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में नॉट अवेलेबल। इसमें कोई इसमें क्योंकि इसका एक सर्विसमैन पुराना है, ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट है, इसके वजह से इसमें कोई वैकेंसी या कुछ नहीं होगा। और ओबीसी में नो वैकेंसी, एससी में नॉट अवेलेबल, और इसमें एसटी में भी नॉट अवेलेबल। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर में मैकेनिक में 83.5 गया ओबीसी में। तो ओवरऑल यहाँ पे इतना कटअप गया। अब बात है कि जो कंपनसेंट अपॉइंटमेंट सीए है, जो जैसे कि कंपनसेंट अपॉइंटमेंट जो एक कैटेगरी, उसका कटअप गया है रेडियो ऑपरेटर में 93.75 यूआर में, और रेडियो मैकेनिक में 78 गया है, ओबीसी में 83 गया, और यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें 75.25 कटअप गया है आपका कंपनसेट अपॉइंटमेंट है उसके लिए। अब सेकेंड फेज़ क्या है, तो सेकेंड फेज़ में आप सभी को फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपका जो सेकेंड फेज़ है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी एंड डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट आपका करवाया जाएगा रेडियो ऑपरेटर में कैंडिडेट ओनली, जो कि 16 जनवरी 2023 को यहाँ पे बोला गया है। आपका एडमिट कार्ड क्वालिफाई सेकेंड फेज़ आपका आ जाएगा। ये सब दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का टोटल यहाँ पे पेजेस है, और यहाँ पे अपेंडिक्स ए में आपका जो रेडियो ऑपरेटर में जो कैंडिडेट है उसमें टोटल 43 पेज है अपेंडिक्स ए में। और रिज़ल्ट इन रेडियो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में है, उसमें अपेंडिक्स भी 18 पेज है टोटल। तो इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, इसमें रोल नंबर सभी का दिया है जो कैंडिडेट क्वालिफाई है, तो रोल नंबर आप लोग इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब पूरा डिटेल में आपका दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपका कटअप इतना गया, काफ़ी हाई कटअप है देखने को मिला है, तो आप लोग जरूर विजिट करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।